रामगढ़ उपचुनाव में मतदान आगामी 27 फरवरी को होना है। उपचुनाव में महागठबंधन समर्पित कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो के सामने सबसे बड़ी चुनौती आजसू पार्टी है। आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी के पक्ष में चुनावी प्रचार करते हुए सुप्रीमो सुदेश महतो व सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी राज्य सरकार पर नियोजन नीति के नाम पर युवाओं को छलने और धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। यह भी सही है कि अभी तक के 3 साल से अधिक के कार्यकाल में नियोजन नीति को लेकर हेमंत सोरेन सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। अब पुख्ता सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उपचुनाव के पहले हेमंत सरकार कैबिनेट की बैठक बुलाकर नई नियोजन नीति को हरी झंडी दिखा सकती है। ऐसा कर जहां सरकार आजसू पार्टी को उपचुनाव में बैकफुट पर करने की तैयारी कर ली है, वहीं उपचुनाव में लड़ रहे कई निर्दलीय युवा उम्मीदवारों को भी एक कड़ा संदेश देने की तैयारी कर ली है। मिली सूचना के मुताबिक नई नियोजन नीति को लेकर राज्य सरकार ने बीते दिनों प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विभिन्न अभ्यर्थियों से सुझाव मांगा था। सुझाव मांगे जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 8 लाख से अधिक बताई जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा मांगे गए इस सुझाव में अभ्यर्थियों को 2 तरह के ऑप्शन दिए गए थे। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अधिकांश अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार को तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाने का सुझाव दिया है। इस बाबत अधिकांश अभ्यर्थियों ने 2016 से पहले की नीति को आधार बनाने का सुझाव दिया है। अभ्यर्थियों से मिले सुझाव के आधार पर सरकार अब 2016 पहले की नीति के आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। चर्चा है कि रामगढ़ उपचुनाव से पहले कैबिनेट की एक बैठक बुलाई जाएगी, इसमें नई नियोजन नीति प्रस्ताव को हरी झंडी मिल सकती है। बता दें कि 2016 से पहले की नीति के तहत प्रतियोगिता परीक्षा के लिए राज्य में जितने भी आवेदन लिए जाते थे, सभी में अभ्यर्थियों से केवल पूछा जाता था कि क्या झारखंड राज्य के मूल निवासी हैं। अगर हां तो वे अपना आधार कार्ड नंबर भरें। राज्य से बाहर वाले अभ्यर्थियों को नाहक एक कॉलम में टिक या नहीं लिखना पड़ता था। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।